हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज दुनिया में जो कालखंड चल रहा है, जिसमें परिस्थितियाँ कुछ इतनी जल्दी विपरीत हो रही हैं कि इंसान जब तक सोचे, कुछ सॉल्यूशन निकाले, तब तक उसका सब कुछ हो जा रहा है स्वाहा, और इंसान सोचने पर विवश हो जा रहा है आखिर ऐसा क्यों और कब तक। कल्कि देव धरातल पर आ चुके हैं, अपना कार्य लगातार करते जा रहे हैं, लेकिन उनकी विनाश लीला के तहत कुछ ऐसे दृश्य लोगों के सामने आ रहे हैं, कुछ ऐसे हालात लोगों के सामने उपस्थित हो रहे हैं कि लोग मुंह से कह रहे हैं सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल, लेकिन क्या वास्तव में सिचुएशन अंडर कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक यही मैंने चूज़ किया है, क्योंकि दुनिया में जो मैं हालात देख पा रही हूँ, पूरी दुनिया में, सिर्फ भारतवर्ष की बात नहीं है, हर जगह प्राकृतिक आपदाओं का वो कहर लोगों पर बरस रहा है कि इंसान आज रास्ते पर नहीं बल्कि घर की चारदीवारी पर रहने को हो चुका है विवश। और घर तब रहे, घर में इंसान तब रहे जब घर रहने के लायक हो। आज इंसान के सपनों का घर ही उसके लिए काल बनता जा रहा है। यदि हमारे भारतवर्ष की बात की जाए, जोशी मठ जो एक बार खतरनाक साबित हो चुका, लोगों को निर्देश दे दिया गया अपने घरों को छोड़कर एक सुरक्षित जगह चले जाएं, लेकिन जब हालात थोड़े से सुधरे, लोगों ने फिर से अपने घर की राह पकड़ी, लेकिन एक बार फिर बरसात के मौसम में जोशी मठ में वो दृश्य दिखलाई पड़ रहे हैं। उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश तो यहाँ तक प्राकृतिक आपदाओं का क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। शिमला जो कि हजारों लोगों के लिए, सिर्फ 25,000 लोगों के रहने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा बसाया गया था, लेकिन आज लाखों की संख्या में लोग वहां पर अपना आशियाना बनाकर जब रहने की कोशिश कर रहे हैं, प्रकृति से खिलवाड़ करने का जब उन्होंने दुस्साहस किया, तो आज उनकी ही करनी उनके आगे एक विकराल रूप में खड़ी है। आज प्रकृति में वातावरण पूरी तरह से इम्बैलेंस्ड हो गया है। वैज्ञानिक आगाह कर रहे हैं कि आने वाला समय बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण रहेगा। चैलेंजेस किस तरह से हम फेस कर पाएंगे आने वाले समय में, ये तो आने वाला समय ही जाने। लेकिन आज हर इंसान बहुत ही अपने आप को बेबस पा रहा है। गवर्नमेंट चाहे मणिपुर की हो या बिहार की, चाहे अमेरिका की हो, चाइना की या जर्मनी की, आज हर कोई सिचुएशंस को कंट्रोल करने में अपने आप को नाकामयाब पा रहा है। लेकिन चूंकि सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, तो कैसे वो अपने मुंह से ये बात स्वीकार करें, उनका ईगो सामने आ रहा है। इसलिए हर बार उन जनता को जिन्होंने उन्हें चुना, ये कहकर चुप करा देते हैं कि सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल, लेकिन वास्तव में आम जनता देख पा रही है कि सिचुएशन इज़ बियॉन्ड कंट्रोल। आज सिर्फ और सिर्फ कलयुग के बॉस कल्कि देव, जिनके हाथों में ईश्वर के द्वारा सौंपी गई है सत्ता कलयुग को चलाने की, चाहे वो देवलीला के माध्यम से हो, कल्कि लीला के माध्यम से हो, विनाश लीला या उनके निर्माण लीला के माध्यम से हो, लेकिन कब, किस तरह, कौन सी घटना होने वाली है घटित और किस समय, कैलकुलेटिव कल्कि अवतार अपने कैलकुलेशन के जरिए ये सारे कार्य लगातार करते जा रहे हैं। लेकिन इंसान आज अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन में इम्बैलेंस्ड पा रहा है। उत्तरी बिहार में इतनी अधिक बाढ़
कि लोग त्राही मम कर रहे हैं। वहीं दक्षिणी बिहार में सूखा पड़ गया है और लोग आसमान की तरफ देखकर भगवान से कह रहे हैं, हे ईश्वर थोड़ी सी बारिश दे दो। अगस्त का महीना अगस्त क्रांति के रूप में लोगों के सामने उपस्थित हो गया है। जुलाई महीने में जहां बहुत अधिक बारिश थी, अगस्त में होनी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं एकदम सूखे के हालात, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। केरला है, महाराष्ट्र है और बिहार है, यूपी है, बहुत कम बारिश और इतनी कम बारिश कि किसानों को भी चिंता हो रही है आने वाले समय को लेकर। किसान जो कि अनाज के ऊपर ही जीवित रहता है, यदि अनाज ही ठीक से ग्रो नहीं होंगे तो वो क्या बेचेगा और क्या खाएगा। आज आसमानीय बिजली कहीं पर गिर रही है, कहीं बाढ़ के हालात ऐसे कि पूरी की पूरी इमारत बहुत ही मेहनत से जिन्होंने बनाई थी, अपनी जमा पूंजी लगाई थी, वो एक मिनट के अंदर पलक झपकते आंखों के सामने ही बाढ़ के पानी में इस तरह से बह जा रहे हैं कि लोग सिर्फ चीख रहे हैं लेकिन उनके हाथ में करने के लिए कुछ नहीं। उस इमारत को जो उनके सपनों का घर था बचा नहीं पा रहे हैं लोग और मजबूरी में इस विनाशकारी लीला को, इस विनाशी लीला को सिर्फ देख रहे हैं दुख भरी चीख भरी निगाहों से। आज चाइना जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, लेकिन चाइना के बीजिंग में आई बाढ़ ने आज वहाँ के लोगों को घर के अंदर रहने के लिए मजबूर कर दिया है। अमेरिका बहुत ज़्यादा अपने आप को पावरफुल मानता है, लेकिन आज उसने भी प्राकृतिक आपदा के समय, बाढ़ के समय घुटने टेक दिए हैं। तो आज इंसान लाख कोशिश कर ले, लेकिन आज जो सिचुएशंस बन रहे हैं टोटली अनसेफ। दुनिया में कहीं पर भी आप चले जाएं, चाहे भारतवर्ष की बात हो या भारतवर्ष के किसी और समय जगह की बात हो, या फिर हमारे देश से बाहर विदेशों की बात हो, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, सुडैन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रशिया हो, यूक्रेन हो, हर जगह अफरा तफरी का माहौल। और भारतवर्ष में जहां पर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि लोगों को शांतिप्रिय ढंग से रखा जाए, लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे ही अशांति भरा माहौल क्रिएट हो जा रहा है अचानक से, कि लोग जब तक समझे तब तक कल की अवतार की विनाश लीला दस्तक दे जा रही है। और उसमें पहाड़ों का दरकना, मलबा का गिरना, मलबे के अंदर लोगों का दब जाना, हॉस्पिटल के अंदर आग का लग जाना, हॉस्पिटल के अंदर पानी भर जाना, मरीजों की सही तरीके से देखभाल ना कर पाना, और इस तरह से न जाने कितनी आत्माएं पृथ्वी को छोड़कर चली जा रही हैं। तो आने वाले समय को यदि कोई कंट्रोल कर सकता है, यदि समय की डोर किसी के हाथ में है, तो वो है कल्कि देव। कठपुतली की तरह हर किसी को वो नचा रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर दूसरों के सामने ना आकर संसार की बागडोर अपने हाथों में लेकर अपनी विनाश लीला को, युग परिवर्तन के मिशन को लगातार आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। क्योंकि समय का चक्र वो चक्र है जिसमें राजा हो या रंक हर कोई फंस कर रह जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।